रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन के कालपी से बड़ी खबर। यमुना नदी व नून नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडे व पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने आज सर्वप्रथम कालपी नगर का भ्रमण किया व सुरक्षा के सारे इंतजाम देखे। इसके उपरांत कालपी के मंगरौल गांव जाकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना और साथ ही स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया। वहीं उप जिलाधिकारी कालपी सुशील कुमार ने बताया कि जनता को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर विभाग को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार, उप जिलाधिकारी कालपी सुशील कुमार, तहसीलदार कालपी अभिनव तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी कालपी डॉक्टर देवेंद्र पचौरी, नायब तहसीलदार तारा शुक्ला, कालपी कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक आदि अधिकारी गण मौजूद रहे। वहीं मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी, ग्राम प्रधान कीरतपुर पवनदीप निषाद, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मंगरोल सिद्धार्थ कुमार आदि मौजूद रहे। जालौन मेट्रो कालपी संवाददाता प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। सर, ये आज का दौरा में क्या दिशा निर्देश दिए गए जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा? यमुना नदी में लगातार जो बाढ़ पानी बढ़ रहा है उसी का जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया है। क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है, फसलें डूब रही हैं, मकानों में पानी जाने की संभावना है, तो वही प्रशासन को अलर्ट किया जा रहा है गांव वालों को सचेत करने के लिए और पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए कि कम्युनिटी किचन चलाने के लिए, नावों को लगाने के लिए, कोई मान लीजिए बीमार वगैरह है तो उसके लिए डॉक्टर की सुविधा के लिए, पशु के पशु चिकित्सा की सुविधा के लिए यही व्यवस्थाओं के निर्देश देकर गए हैं, जिनको करने की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और हर जगह पर हर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम, पशु विभाग की टीम और सीओ साहब, बीडीओ साहब, हम सब लोग गांवों में भ्रमण कर रहे हैं और पूरी व्यवस्थाओं का चाक चौबंद किया जा रहा है। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। एक तो बाढ़ है, आपदा है, परेशानियाँ होती हैं, धैर्य बनाइए, पूरा सहयोग किया जाए, किसी कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। सर, आम जनमानस में पैनिक ना फैले उनके लिए क्या हिदायत या आप सावधानियां बरतने को उनसे कहेंगे? आम जनमानस से यही अनुरोध है कि आप पानी पर न जाएं। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।